हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं निगार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में तहे दिल से। आशा करती हूं कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी होगी और बहुत खुश होगी। गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं, ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसको लेकर आपने मेरे पास ढेर सारे कॉमेंट किए, इसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं अच्छा लगता है मुझे ये जानकर कि जो मेरी फैमिली है वो मुझे अपना समझ कर अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करती है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए अच्छी अच्छी इसी तरह से रेमेडी लेकर आती रहूं। तो आज के इस वीडियो में गाइस, मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक ग्रीन मैजिकल वाटर जो कि आपके बालों की डेंसिटी को बढ़ाने वाला है। अगर आपके भी बाल लंबे नहीं होते हैं या उनमें ग्रोथ की प्रॉब्लम है, रुकी हुई ग्रोथ है आपकी, या फिर काफी टाइम हो गया है आपके बालों में बॉल्डनेस जैसी प्रॉब्लम नजर आती है, स्कैल्प आपका इची रहता है, या फिर आपको जगह जगह पैच दिखने लगे हैं अपने बालों के ऊपर, इसके अलावा अगर आपका हेयर फॉल एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आज का ये वीडियो मेक श्योर कि आप पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में आपके बालों की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन छुपा हुआ है जो कि आपकी निगार आप सबके लिए लेकर आई है। तो मेक श्योर कि ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लग रहा हो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आज ही मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल पर मेरी फैमिली के लिए मैं इसी तरह के वीडियोस लेकर आती हूं। तो जल्दी से चलिए देख लेते हैं कि ये मैजिकल वाटर हमें किस तरह से बनाना है। तो इस ग्रीन वाटर को बनाने के लिए गाइस, जितने भी इंग्रेडिएंट्स का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं, ठीक है, जैसे कि हमें नेचर ने दिए हैं वैसे ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे आज इस मैजिकल वाटर को बनाने में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो इस मैजिकल वाटर को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है एलोवेरा लीव। यहाँ पे हम पत्ते से टूटे हुए एलोवेरा जेल को यूज़ करेंगे गाइस, क्योंकि ये नेचुरल है, कुदरती है, कोई भी मिलावट नहीं है इसमें, ठीक है। जब भी हम कोई DIY बनाते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं मार्केट वाले एलोवेरा जेल का, और इसके अलावा जब भी हम कोई तुरंत लगाने वाली कोई भी रेमेडी यूज करते हैं तो उसमें हमेशा हमें नेचुरल एलोवेरा लीव को ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दो बड़े पत्ते ले लिए हैं एलोवेरा लीव्स के। क्या आप जानते हैं गाइस कि एलोवेरा जो है हमारे स्कैल्प की इचिंग को भी खत्म करता है, स्कैल्प को नरिश करता है, स्कैल्प के pH लेवल को मेंटेन करके रखता है, इसके अलावा ये बालों की डेंसिटी को बढ़ाता है। अगर आप अपनी हेयर ग्रोथ को बढ़ाना चाहती हैं तो एलोवेरा लीव को इस्तेमाल करके आप अपने बालों की जड़ों को मजबूत कर सकती हैं, अंदरूनी मजबूती दे सकती हैं। उसके अलावा आप अपने बालों की लंबाई को बढ़ाने के साथ साथ बालों को लॉन्ग टाइम तक ब्लैक रख सकती हैं एलोवेरा के इस्तेमाल से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो बड़े पत्ते जो लिए हैं गाइज, उनको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। इसके बाद हमने इनका जेल एक बाउल में कलेक्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है गाइज, वो है करी लीव्स। बहुत सारे लोग अपने घर में इन लीव्स को लगाते हैं, इसमें बहुत सारी विटामिन्स और नेचर की दी हुई ऐसी नियामत मौजूद है गाइज, जो कि हमारे बालों को कुदरती तौर पे काला बनाए रखती है, लंबा करती है, घना करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस भरे हुए हैं जिसका इस्तेमाल करने से हमारे बालों की हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाता है, हमारे बालों की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी करी लीव्स ले ली है, लगभग एक मुट्ठी हमें करी लीव्स ले लेनी है, और इनको हमें अच्छी तरह से पहले धो लेना है और इनको डंडी से निकाल कर इस तरह से हमें अलग कर लेना है एक बाउल में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वो है गाइस प्याज, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर पाया जाता है, सल्फर हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है, ये आपके बालों की बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, नए बाल उगाने में मदद करता है, और इसके अलावा ये हमारे बालों के ऊपर एक जादू की तरह से असर करता है। अगर आपके बालों पर जगह जगह पैचेस नज़र आने लगे हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, या फिर अपने बालों की जो ग्रोथ है वो आप बहुत तेज़ी के साथ चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे न्यूट्रिशंस मौजूद हैं जो कि हमारी हेयर फॉलिकल्स को मजबूती देता है और नए बाल उगाने में मदद करता है। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है गाइस, इनको हमने कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में, और इसको हमें बिना पानी डाले पीस लेना है। तो आप देख सकती है गाइस, इन सारी ही चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से पीस लिया है, ठीक है। अब एक छलनी की हेल्प से हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और इसका जो जूस है ये ग्रीन कलर का, एक बाउल में हमें कलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि अगर हम इसे छानेंगे नहीं ऐसे ही, अगर आप अपने बालों पे अप्लाई करेंगे तो इसके जो महीन रेशे हैं वो आपके बालों में फंस जाएंगे और बाल धोने के बाद भी वो नहीं निकलेंगे। इसके लिए हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, जो वाटर है इसको हम एक बाउल में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारे पास एक मैजिकल ग्रीन कलर का वाटर तैयार है जो कि हमारे बालों की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। अब इसमें हम एक चीज और ऐड करेंगे, वो है कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, ठीक है। अरंडी का तेल अपनी थिकनेस के लिए जाना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा ये तेल जो है थिक होता है, ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ा सा थिक होती है। तो यहाँ पे मैं डाबर का यूज कर रही हूँ, आपके पास अगर कोई भी अरंडी का तेल है वो इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून हमने इसमें कैस्टर ऑयल डाल दिया है गाइस। कैस्टर ऑयल की खूबियां ये होती हैं कि हमारे बालों को थिकनेस देता है, हमारे बालों की डेंसिटी बढ़ाता है, हमारी बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो कैस्टर ऑयल की मदद से हम अपने बालों को घना बना सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमने जो इसमें कैस्टर ऑयल डाला है अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे गाइस। और मिक्स करने के बाद ये हमारा मैजिकल ग्रीन वाटर तैयार है, यानी ये ग्रीन हरा पानी तैयार है जो कि हमारे बालों के ऊपर मैजिक करने वाला है और हमारे बालों की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। अब आपको क्या करना है कि आप अपने बालों के ऊपर इसे लगाएं, चाहे आपने ऑयल लगा रखा हो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। आप एक कॉटन का टुकड़ा ले लें, उसमें इस मैजिकल वाटर के अंदर इसको डिप करें और बालों की जड़ों में अच्छी तरह से आपको इसे अप्लाई करना है। इस बात का ध्यान रखें आपको इसे अपने हेयर रूट्स के ऊपर इस्तेमाल करना है, ठीक है, ताकि जो ग्रीन कलर का वाटर है गाइस ये हमारे बालों की जड़ों में अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए और अपना वर्क कर सके, ठीक है। तो मुझे आप जिस तरह से लगाते हुए देख रहे हैं ना, इसी तरह से आपको अपने बालों के पे लगाना है। और क्या करना है, बाद में फिंगर टिप की हेल्प से हल्का सा आप बिल्कुल मसाज कर लें। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा और ये रेमेडी जो है हमारी, ये वाटर जो है वो अपना वर्क और भी तेजी से करेगा, ठीक है। अब आप अपने बालों को टाई कर लीजिए और 1 घंटे तक हमें इसको इसी तरह से लगा के छोड़ दें। चलिए अब मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ गाइस, ठीक है। और आजकल मैं जिस शैम्पू का यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। मैं हमेशा माइल्ड चीज़ों को इस्तेमाल करती हूँ, माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कई बार आपसे बताया है कि बालों के लिए आप हमेशा माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें। अब आप मुझसे ये पूछते हैं कि दी माइल्ड शैम्पू कौन सा होता है, कौन सा हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कोई अच्छा सा शैम्पू बता दें। तो मैं आजकल जिस शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ गाइस, वो है वाओ का राइस वाटर एंड लैवेंडर शैम्पू, और इसी का कंडीशनर भी मैं आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ वाओ के कई सारे प्रोडक्ट रिव्यू शेयर किए थे, उनको आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। तो पर्सनली मुझे इनके प्रोडक्ट इसलिए पसंद है क्योंकि ये विदाउट पैराबीन, सल्फेट और सिलिकॉन के हैं। कोई भी मिनरल ऑयल या केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, प्लांट कैरेटीन स्ट्रेटनिंग एंड रिपेयरिंग केयर फॉर वीक रूट्स एंड डैमेज ब्रेकेज प्रोन हेयर। तो डेफिनेटली ये जो इसमें इस्तेमाल किया गया है फर्मेंटेड राइस वाटर का गाइस, और राइस वाटर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। 95.7% नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है, स्पेशली इसमें चावल का पानी यानी राइस वाटर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अमीनो एसिड, मैग्नीशियम और विटामिन बी और सी से भरपूर होता है, जो कि बालों की जड़ों को मजबूत करता है और उनमें शाइन पैदा करता है, और जो हमारे क्यूटिकल्स होते हैं उनको चिकना बनाता है, बालों को मजबूती देता है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल किया गया है लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का, जिसमें फाइटो न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि हमारे स्कैल्प को नरिश रखते हैं। अगर आपको स्कैल्प के ऊपर जलन या खुजली होती है तो ये स्कैल्प के ऊपर होने वाली इरिटेशन को खत्म करता है और हमारे स्कैल्प पीएच लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी भी देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लें हम किस तरह की है। अब मैं अपने बालों को वॉश करने जा रही हूँ गाइस, तो मैंने ये शैम्पू को अपने पाम के ऊपर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस है क्योंकि इसमें लैवेंडर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, इसके बाद मैं अब इसका जो कंडीशनर है वो भी इस्तेमाल करूँगी। जो खासियत इसके शैम्पू में है, यानी जिन चीज़ों का इस्तेमाल इसके शैम्पू में किया गया है वही उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल इसके कंडीशनर में भी किया गया है। आपको इसके कंडीशनर को अपने हेयर रूट्स के ऊपर नहीं लगाना है, हेयर रूट्स को आपको छोड़ देना है, इसके बाद टॉप टू लेके एंड तक अपने बालों के ऊपर लगाएं। स्प्लिट्स एंड्स की जहां पे प्रॉब्लम है, आपको आपकी नोके फटी हुई हैं वहां पे अच्छी तरह से इस कंडीशनर को आप लगा लें। उसके बाद 3 से 4 मिनट तक आपको इसी तरह से छोड़ देना है और 3 से 4 मिनट के बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने बालों को क्लीन कर लीजिए।
तो मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है गाइस, और मुझे अपने बाल पहले से कहीं ज़्यादा सिल्की और पहले से कहीं ज़्यादा शाइनी और पहले से कहीं ज़्यादा बाउंसी नज़र आ रहे हैं, और इसने मेरे बालों की ड्राइनेस को भी काफ़ी हद तक ख़त्म किया है। तो काफ़ी अच्छा है ये दोनों ही शैम्पू एंड कंडीशनर है गाइस। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। और हाँ, इसको यूज़ करने के बाद मेरे साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये मैजिकल ग्रीन वाटर गाइस आपको अल्टरनेट डेज लगाना है, हफ्ते में 3 दिन आपको इसका इस्तेमाल करना है, और जिस तरह से मैंने बताया है आपको सेम उसी तरह से ये प्रोसेस रखना है। कंटिन्यू आप इसका कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकती हैं, आप इसको कंटिन्यू 1 महीने तक इस्तेमाल करेंगी, ठीक है। 15 दिन हो जाने के बाद ही आपको इसके रिजल्ट, इसके असर जो है अपने बालों के ऊपर नजर आने लगेगा। तो आप भी आज ही से इस मैजिकल ग्रीन वाटर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए गाइस, और 15 डेज के बाद जब आपको इसके रिजल्ट्स मिलने लगे तो प्लीज इसके रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी इस निगार को ना आपके फीडबैक की बहुत ज्यादा तमन्ना रहती है, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मेरी फैमिली मेरी रेमेडीज को ट्राई करके बहुत ज्यादा खुश है, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा हैप्पी है और उनको मेरी रेमेडीज के रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कि आपने विद बेल आइकन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके बाद एक छोटी सी घंटी बन के आएगी उसको ऑल पे कर दीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जहां पे भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं प्लीज 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 मेरे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआओं में मुझे याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।